Friends, today we have a very nice topic and this topic is based on your mathematics tricks. Students, मेरे ख्याल से आज जो topic लेकर आए बहुत unique है. ये 9 का multiplication है, single line, double line, देखिए 3 nines even और 9 का भी multiplication हम आपको सिखाएंगे. But मैं नहीं, मेरी एक lecturer है, she is from army school and I believe वो बहुत intelligent है और आपको कुछ अच्छी guideline जरूर देगी कि कैसे tricks होती है, कैसे multiplications होता है with 9. So let us start. Welcome, please, Lakhvir. Thank you, sir. Please handle the stage. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. हेलो, हाउ आर यू व्यूअर्स? व्यूअर्स, जैसे आपको याद होगा कि शायद मैं पहले इंग्लिश के लेक्चर्स लेके आती थी और आज आपके लिए मैं एक मैथ्स की ट्रिक्स का नया लेक्चर लेके आई हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. फ्रेंड्स, किसी भी 9 को डबल लाइन, ट्रिपल लाइन या 9999 को अपने किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले पढ़ लेते सिंगल डिजिट. सिंगल डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करना हो देन क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 9 है. ओके, 7 फर्स्ट डिजिट को लेके जिस डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 7 दिया, 7 माइनस 1 कर दो, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6. आंसर है फर्स्ट डिजिट क्या आएगा? 6. देन अभी 6 को लेते हैं, 6 को 9 में कन्वर्ट करना है. अभी 6 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे इसमें? प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा. देन क्या ऐड किया उन्होंने? 3. तो आंसर का सेकंड डिजिट क्या होगा? 3. अपना आंसर क्या होगा? 63. दिस इज द ट्रिक. एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 9. तो 8 लिया, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7. फर्स्ट डिजिट क्या आया? 7. अब इस 7 में क्या प्लस करें कि 9 हो जाए? 2 प्लस करेंगे इक्वल टू 9. तो क्या ऐड किया उन्होंने? 2. आंसर का सेकंड डिजिट क्या होगा? 2. आंसर इज 72. लेट अस गो ऑन द सेकंड क्वेश्चन. अब डबल डिजिट को डबल लाइन से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 99. 24 को माइनस 1 करेंगे, 24 माइनस 1, देन वी गेट 23. आंसर के फर्स्ट टू डिजिट क्या आए? 23. अब इस 23 का फर्स्ट डिजिट लेंगे 2. इस 2 को 9 में कन्वर्ट करेंगे. 2 प्लस 7 इक्वल टू 9. क्या ऐड किया उन्होंने? 7. आंसर का थर्ड डिजिट क्या होगा? 7. देन टेक द 9, सॉरी 3. आंसर का सेकंड डिजिट लिया 3. 3 में क्या प्लस करेंगे? 9 हो जाए, प्लस करेंगे 6. देन वी गेट 9. आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 6, जो हमने प्लस किया. देन द फाइनल आंसर इज 2376. इसी का आपने एक एग्जांपल और लेना चाहिए. 21 मल्टीप्लाई बाय 99. 21 माइनस 1 करेंगे देन क्या आएगा? 20. आंसर का फर्स्ट टू डिजिट क्या आ गया? 20. अब 20 में 20 का फर्स्ट डिजिट लेंगे 2. 2 में क्या प्लस करेंगे कि 9 आ जाए? 7 प्लस करेंगे. और इस नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0. इस 0 में क्या प्लस करें कि 9 आ जाए? 0 में प्लस करेंगे 9. देन द फाइनल आंसर इज 2079. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. 3 डिजिट को 39 ट्रिपल 9 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? अपना डिजिट है 123 मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल 9. 1 2 3 माइनस करेंगे 1 इक्वल टू 1 2 2. पहला प्रोसीजर अपना सेम, ठीक है. आंसर के फर्स्ट 3 डिजिट क्या आए? 1 2 2. फिर अपने क्या करेंगे? आंसर का फर्स्ट डिजिट लेंगे 1. 1 में क्या प्लस करेंगे? इसको 9 में कन्वर्ट करना है. देन वी प्लस 8. आंसर क्या आया? 9. क्या ऐड किया अपन ने? 8. आंसर का नेक्स्ट डिजिट 8. इसका नेक्स्ट डिजिट 2. 2 को 9 में कन्वर्ट करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 7. आंसर 9. तो क्या ऐड किया उन्होंने? 7. नेक्स्ट डिजिट इज 7. लास्ट डिजिट बेटा बचा 2. 2 में फिर से 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9. लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर 7. तो फाइनली आंसर इज 1 2 2 8 7 7. क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न नंबर 4. 4 डिजिट वाले 4 डिजिट नंबर को 49 से 9999 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2139 मल्टीप्लाई बाय 9999. सेम प्रोसीजर, 2139 माइनस करेंगे 1. क्या आंसर आएगा? 2138. आंसर का फर्स्ट पोर्शन आ गया 2138. अब आंसर इसका आंसर का फर्स्ट डिजिट लेंगे 2. 2 को कन्वर्ट करेंगे 9 में, देन प्लस करना पड़ेगा 7 इक्वल्स टू 9. क्या प्लस किया? 7. सेकेंड डिजिट लिया 1 प्लस 8 इक्वल टू 9. क्या प्लस किया? 8. थर्ड डिजिट है 3.
3 में प्लस किया 6 एंड वी गेट 9. नेक्स्ट डिजिट इज 6, लास्ट डिजिट 8. 8 में प्लस करेंगे 1 एंड 9. क्या प्लस किया 1, देन द लास्ट डिजिट इज 1. आंसर इज 2138 7861. दिस इज द फाइनल आंसर. फ्रेंड्स, आपने आपके मन में एक डाउट आ रहा है, मैंने ना तो पिछले का एग्जांपल दिया और ना मैंने इसका एग्जांपल दिया, और ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है. अब तक हमने किया 7 को 9 से मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल डिजिट को सिंगल 9 से, डबल डिजिट को डबल 9 से, एंड ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल 9 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन अब हम न्यू पैटर्न क्या कर रहे हैं, सिंगल डिजिट को डबल 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. तो अपना क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय डबल 9. तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 6 को 06 लिखेंगे, 06 मल्टीप्लाई बाय डबल 9. आगे अपना सेम पैटर्न रहेगा, 06 माइनस 1 क्या रहेगा, 05. आंसर के फर्स्ट डिजिट क्या है, 05. अब वही करेंगे, इस आंसर का फर्स्ट डिजिट लेंगे 0, 0 में क्या प्लस करेंगे 9 आ जाए 9, तो सेकंड इसका नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा 9. अब नेक्स्ट डिजिट लेंगे अपने 5, 5 में क्या प्लस करें कि 9 आएगा 4, तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 4. आंसर क्या आएगा 0594. दिस इज द फाइनल आंसर. अब तक हमारा जो पैटर्न चला हुआ था बिल्कुल सेम, अब लास्ट का पैटर्न बचा 6, डबल डिजिट को सिंगल 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें इस पे. 25 मल्टीप्लाई बाय 9, डबल डिजिट को सिंगल 9 से मल्टीप्लाई कैसे करना है. सबसे पहले अपने डबल डिजिट वाले का फर्स्ट डिजिट लेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे. अब तक हमने माइनस 1 करते आ रहे, मतलब इसमें क्या करेंगे प्लस 1. 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. ये जो आंसर आया है इसको इस पूरे डिजिट से माइनस कर देंगे. क्या करेंगे, 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22. आंसर के फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, 22. अब बचा अपने पास ये सेकंड डिजिट, इसको अपने 10 में कन्वर्ट करना है. अब तक अपने इनमें क्या करते आ रहे थे, 9 में कन्वर्ट कर रहे थे. अब इस 5 को क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है. 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, देन आंसर का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 5. आंसर इज 225. इस ये ट्रिक बाकी सब ट्रिक से थोड़ी अलग थी, तो क्यों ना अपने इस ट्रिक का एग्जांपल और ले लेते हैं. यहाँ डबल डिजिट को सिंगल लाइन से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब हमने क्या करेंगे, ट्रिपल डिजिट को सिंगल लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल 213 मल्टीप्लाई बाय 9, इसमें अपने फर्स्ट डिजिट को लिया था उसमें 1 प्लस किया था, इसमें अपने फर्स्ट 2 डिजिट को लेंगे 21, उसमें प्लस 1 करेंगे 22. अब इस 22 को इस डिजिट पूरे वाले नंबर से माइनस कर देंगे, 213 माइनस 22, देन आंसर क्या आएगा, 191. अब आंसर का फर्स्ट पार्ट तो अपने पास आ गया 191. अब अपने पास क्या बचा, 3. इस 3 को अपने 10 में कन्वर्ट करेंगे, इस 3 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे, 7. तो लास्ट डिजिट क्या होगा आंसर का, 7. देन द फाइनल आंसर इज 1917. जहां तक मेरा मानना है कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम को फाइट करते हो तो ये इस तरह के एग्जाम्स मोस्टली आते हैं, तो आई थिंक ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने आपके लिए इंग्लिश की लेक्चर लेके आती थी, तो मैं आपके लिए कुछ बुक्स प्रेफर करूँगी. दिस इज द 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए आप. और हमारी नेक्स्ट बुक है ग्रुप डिस्कशन, अगर आप दुनिया का किसी भी तरह का हिंदी का या इंग्लिश में कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हो तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए. नेक्स्ट हमारी MR, अगर कोई MR का इंटरव्यू देना चाहता है तो इस बुक को मैं जरूर प्रेफर करूँगी. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल.